खबर गरियाबंद से, जहां तेंदुआ दिखने से मचा हड़कंप। गरियाबंद जिला अस्पताल के पास दिखा तेंदुआ। साईं मंदिर की बाउंड्री वॉल पर तेंदुआ नजर आया है। जिला अस्पताल के पास हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। अभी भी तेंदुए के आसपास होने की संभावना जताई जा रही है। तेंदुए के पहाड़ी की ओर जाने का अंदेशा है। बड़ी जानकारी गरियाबंद से, जहां पर तेंदुआ दिखने से इलाके में हड़कंप। और ये देखिए किस तरीके से बहुत ही आराम फरमाता हुआ तेंदुआ नजर आया बाउंड्री वॉल में। और गरियाबंद जिला अस्पताल के पास की ये तस्वीर है। साईं मंदिर की बाउंड्री वॉल पर तेंदुआ बैठा हुआ है। जिला अस्पताल के पास हाई अलर्ट जारी कर दिया गया और अभी भी तेंदुए के अस्पताल के आसपास होने की संभावना जताई गई है। पहाड़ी की ओर जाने का अंदेशा भी जताया गया है। संवाददाता शेख इमरान जुड़ गए। शेख इमरान, कैसे कोशिश की जा रही है तेंदुओं को जल्द से जल्द पकड़ने की? जी देखिए, तेंदुआ जो है अचानक जिला अस्पताल के आसपास देखा गया, जो साईं मंदिर के बाउंड्री वॉल पर बैठा हुआ था। और तेंदुआ दिखे जाने के बाद जो है हड़कंप मचा था। इसके बाद पुलिस ने जो है वन विभाग को सूचित किया, जिसके बाद मौके पर पुलिस और वन अमला तो पहुंची और तेंदुआ को कहीं ना कहीं निगरानी रखा कि वो कहीं जिला अस्पताल के आसपास ना पहुंच जाए, किसी पर हमला ना कर दे। लेकिन तेंदुआ जो है वो आसपास जंगल होने की वजह से वो पहाड़ी की ओर जाने की संभावना बनी हुई है। हालांकि वन विभाग का कहना है कि तेंदुआ जो है आसपास ही मौजूद हो सकता है। हालांकि ये अनुमान लगाया जा रहा है कि तेंदुआ पहाड़ी में चला जाए, क्योंकि जिला मुख्यालय के आसपास घनी झाड़ियां हैं और इसी का फायदा उठाकर जो तेंदुआ है वो शिकार के लिए पहुंच जाता है। हालांकि वन अमला ने पूरे इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया और तेंदुआ पर नजर बनाकर रखे हुए हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शेख इमरान तमाम जानकारी के लिए। और जिला अस्पताल के पास ये तेंदुआ नजर आया, वन विभाग इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। खबर जशपुर से, जहां और सांप को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया।